ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ज्योतिष लाइव में। आज हम चर्चा कर रहे हैं 2019 के आखिरी सूर्य ग्रहण की, जो कि इस बार जैसा कि वलयाकार आकार का हो रहा है, यानी कि अपने आकार की वजह से और प्रभाव की वजह से चर्चा में बहुत ज्यादा है। और पंडित जी, जैसा कि आप असर भी बता रहे हैं सभी राशियों पर, क्या कुछ असर पड़ रहा है इसका, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्या जानकारी देंगे? तुला राशि जी, आपको बहुत लंबे समय से परेशानियां मिल रही हैं, आर्थिक मिल रही हैं, मन अज्ञात भय से ग्रसित है, कहीं मेरा कहीं कुछ ये गड़बड़ नहीं हो जाए जी। शिक्षा, परिवार, सारे तरह से परेशानी है, लेकिन ये ग्रहण उन सारे परेशानियों पर ग्रहण लगा देगा, यानी कि अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ। बहुत अच्छा है, आर्थिक भी अच्छा रहेगा, पारिवारिक भी अच्छा रहेगा, दूसरों से सहयोग लेने में भी आप सफल होंगे, और तो और अगर आप नौकरी बदल रहे हैं तो अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस ग्रहण का प्रभाव 10 जनवरी तक पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इस ग्रहण का प्रभाव 2-4-5 साल तक पड़े जी, 10 जनवरी तक इसका प्रभाव रहेगा। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ पर जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। हेलो, हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी प्रणाम, मैं चकेरी कानपुर से बोल रहा हूँ। बोले। और मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे बेटे का नाम ललित गोस्वामी है और जन्म तारीख 10 मार्च 87 है, जन्म समय 7 बजे है और गुजरात कच्छ भुज में पैदा हुआ है जी। इसकी नौकरी और शादी ब्याह के बारे में कुछ बताएं प्लीज। इसकी नौकरी 2020 में लग जाएगी जनवरी के बाद, और शादी का भी योग नौकरी के बाद तुरंत बन रहा है, यानी 20 नवंबर 2020 से पहले आपके घर में बहुरिया आ सकती है। तो जिस तरह से ये परेशान दिख रहे थे, ऐसे में ये खुशखबर है इनके लिए, क्योंकि हाँ। अब ज्यादा समय नहीं है इसमें, तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। समस्या का समाधान आपको तो मिला। अब जैसे कि पंडित जी आप बता रहे थे तुला राशि के बारे में, इनके लिए बड़े अच्छा हो सकता है, परेशानियों का भी अंत हो सकता हाँ। है इनके लिए, बहुत ही अच्छा होगा, नया आगमन, नई नौकरी जी, हर तरह से अच्छा होगा। दूसरा वृश्चिक है, तो वृश्चिक के लिए तो थोड़ा सा गड़बड़ है, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखें। कई बार आप अति उत्साह में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, जो सच भी नहीं होता, और उसके बाद में आप संकट में फंस जाते हैं जी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जिनकी धनु है आपकी राशि पर, तो ग्रहण ही पड़ रहा है, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रखिए, रक्तचाप हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, घर से बाहर निकलें 10 जनवरी तक, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ पहने रहें, ताकि अगर चोट वोट लगे तो आप चोट से बच सकें जी। मकर राशि के 12वें होगा, साई खर्च से बचना होगा, यात्रा देशाटन तो मिल सकता है, लेकिन धन व्यय हो सकता है, कोई मूल्यवान वस्तु खो सकती है, आग से जरूर बचिए, बिजली के विद्युत उपकरणों से बचिए। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा, मैंने कहा था कि कुछ लोगों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि सवेरे से आप तैयार होकर के ग्रहण देखने के लिए बैठ जाएं। हाँ, ग्रहण किसी भी राशि के लोगों को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, देर सवेर उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। जैसे आपके पास कोई बैरोमीटर नहीं है कि जब सूर्य निकलता है तो सूरजमुखी का फूल खिलता है, आप क्या, आपके पास कुछ ऐसे नापने का है कोई विकल्प जिससे आप नापते हैं क्यों सूरज? ऐसे ही जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो चंद्रमा के प्रकाश से जलहर माने पानी के अंदर पुष्प निकलता है और वो पुष्प खिलता है जैसे चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, और जब ग्रहण होता है तो मुरझा जाता है।
तो कौन सा है आपके पास बैरोमीटर है जिसके कारण से ये आप नाप लें कि इन पर जो प्रभाव पड़ रहा है कैसा पड़ रहा है और कहाँ से प्रभाव आ रहा है? हाँ। तो आपके पास है नहीं है, लेकिन प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ता है और आप रोज देखते हैं। देखिए तो शायद संभवता कभी नहीं कहा भी है, जलहर चंदा बसे आकाश, जो जाही के भावता सोताही के पास। जो कुमुदनी का पुष्प था, कुमुदनी जलहर बसे, अनेक कुमुदनी का जो पुष्प है जल में बसता है, जलहर बसे चंदा बसे आकाश, एक जमीन में एक आकाश में, जो जाही को भावता सोताही के पास। वो उसको देखता है कुमुदनी का पुष्प और उसके प्रकाश जब पड़ता है तो प्रकाश उखिल जाता है और प्रकाश नहीं पड़ता तो मुरझा जाता है, जबकि वो धरती के पानी में है जी। कितनी दूरी? इतनी दूरी है, लेकिन उसके प्रकाश से खिलता है, उसके प्रकाश से ऐसे सूरजमुखी को आप देख लीजिए। तो प्रकृति का इन सारे चीज़ों पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है, ग्रहण के समय भी पड़ता है। तो जब प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है तो आप पर क्यों नहीं पड़ेगा, आपके मानसिक स्थिति पर क्यों नहीं पड़ेगा, आपके आचरण पर क्यों नहीं पड़ेगा? और केतु शनि के साथ है जी, तो आपके हार्मोन्स पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब हार्मोन्स पर प्रभाव पड़ेगा तो आपको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, अन्यथा कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तो मनस्थिति पे जिस तरह से आप लगातार प्रभाव बता रहे हैं, आगे की राशियों के बारे में क्या बताएंगे? बची राशि मीन जी, अंतिम राशि जी, आपके लिए बहुत अच्छा है। निजी सुख में वृद्धि होगी, घूमने जाइए, पत्नी को साथ ले जाइए, नो गर्लफ्रेंड जी, पत्नी को साथ लेके जाइए, घूम फिर करके आइए, बच्चों को परिवार के साथ जाइए, घूम फिर करके आइए, निजी सुख में वृद्धि होगी। कोई बढ़िया चीजें खरीदिए, आपके लिए अच्छा होगा, उपहार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, नई नौकरी के लिए कोशिश करते, नए व्यापार के लिए कोशिश करते, उसके लिए अच्छा। तीन राशियां कुल मिलाकर के सबसे अच्छी होंगी, तुला कुंभ और मीन, इनके लिए सर्वोत्तम समय होगा। तीन राशियों के लिए नॉर्मल होगा, तीन राशियों के लिए बहुत खराब होगा, इस प्रकार से स्थितियां रहेंगी। तो मिला जुला रहेगा इससे सूर्य ग्रहण का प्रभाव, किसी के लिए बहुत अच्छा तो किसी को बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने बताया कि जिनके लिए अच्छा भी है वो भी प्लीज इसे शुभ मान करके डायरेक्ट अपनी आंखों से ना देखें, सावधानी बरतने की जरूरत है। पंडित जी, किस किस तरीके से देखा जा सकता है? जैसे कि आपने बताया कि बड़ा सरल है, हाँ, एक थाली में पानी ले लीजिए, सूर्य की छाया पड़ेगी तो ग्रहण की भी छाया पड़ेगी, आप आराम से उस पानी में देखिए, उसका हम पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी, आप देखेंगे भी मजा भी आएगा आपको, अच्छा भी लगेगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण घटना है। हाँ। सभी चाहते हैं कि हम इसको देखें, समझें, इसका अनुभव करें। हाँ, देखिए युवाओं में बहुत होता है कि वो जल्दी मानते नहीं है कि तो हमने देखने के लिए कहा ना कि देखें, हाँ, लेकिन वो मानते नहीं, देखने का तरीका आप बदल लीजिए। तो क्या लगता है उनको क्या कहेंगे आप? वो तो कहते हैं कि हमने देखा, हमें तो कुछ नहीं हुआ, तुरंत असर नहीं हुआ, तुरंत नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद में होता है कि आप दिशा भ्रमण हो जाते हैं जी, आप किसी लफड़े में फंस जाते हैं, कुछ दिनों बाद आपके परिवार में कुछ न कुछ होने लगता है। क्यों हुआ? आप तो बड़े चतुर थे, आप तो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, आप तो बड़े आधुनिक विचारधाराओं के धर्म और विज्ञान को तोड़ने वाले थे, फिर क्यों हो गया? तो कुछ ना कुछ वजह बनती है और इसी तरीके से बनती है। देखिए, ग्रह और नक्षत्र, एक समय था जब हम लोग छोटे थे तो ये सोचते थे कांग्रेस कभी नहीं खत्म होगी, कांग्रेस हमेशा सत्ता में होगा, इनको कोई नहीं हरा सकता, पार्टी है तो एक ही है। हाँ, एक ही है जी। तमाम लोगों को देखा, क्योंकि बच्चों की अगर कोर्स बुक भी उठा के देखी जाए तो हाँ, उसमें उसका भी असर वहां पर भी मिलता है। हाँ, सब जगह मिलता है। हाँ। हर जगह मिलता है, जहाँ कहीं भी है, दो बैलों की जोड़ी हुआ करती थी जी, और दो बैलों की जोड़ी को उसी परिवार से सोनिया गांधी है, उसी परिवार से सब कुछ है, आज सत्ता के बहुत दूर है जी। तो क्या इनमें योग्यता कमी आ गई है? क्या कौन सी चीज की कमी आ गई जिसके कारण से सत्ता से दूर है? वो कोई चीज की अगर कमी है
तो ग्रह नक्षत्र होगी जी। ग्रह नक्षत्र आपको सत्ता देते हैं और ग्रह नक्षत्र ही सत्ता छीनते हैं। तो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बहुत होता है और इसका अच्छा भी प्रभाव होता है और बुरा भी होता है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि हम पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। पंडित जी, ये सूर्य ग्रहण अगर इसका कुछ किसी भी तरीके से हम लाभ भी उठा सकते हैं क्या, खुद को बचाए रखें? बहुत अच्छी बात जी नंदनी जी। ग्रहण के समय अगर आप दीक्षा लेते हैं तो सर्वोत्तम समय होता दीक्षा का। आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, आपके नाना हैं, दादा हैं, नानी हैं, दादी हैं, ये माला से जप करते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि ये माला में दे दीजिए, वो माला जिससे उन्होंने जप किया, सिद्ध हो चुकी है। हाँ। जी। जैसे रिजर्व बैंक का गवर्नर एक कागज के नोट पर जब उसका दस्तखत होता है तो वो 2000 हो जाते, वैल्यू उसकी तब बनती है। हाँ। जी। और अगर उस पर दस्तखत नहीं है तो जीरो है। इसी प्रकार से जप किया हुआ माला सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, उसके अंदर ऊर्जा रहती है जी। और क्या लाभ उठा सकते हैं ये भी मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन एक कॉलर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, एक सवाल है उनका, जानते हैं उनसे, जुड़ते हैं, जानते हैं उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइफ में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। जी, पंडित चौबीस वर्ष, मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है। हाँ। और मैं कानपुर से बोल रहा हूँ पंडित जी। हाँ। जी, और मेरी बेटी है पूर्विका श्रीवास्तव जिसका नाम है, उसका जन्म है दिसंबर 1992 को। हाँ। और समय है रात्रि का 24 और 25 की रात में 12:50, यानी 24 तारीख की बाद रात को 12:50 लग जाता है। हाँ। और जन्म सर पंडित जी कानपुर है उसका। और वो पहले मेडिकल की तैयारी कर रही थी और आपने कहा था इसको बैंक की तैयारी कराओ, तो बैंक में पंडित जी तैयारी कराया और वो बैंक में हो गई है। तो पंडित जी इसके विषय में ये जानकारी चाहिए था कि इसकी शादी कब और कैसी होगी। पंडित जी फिर आकर के अब क्यों नहीं कुछ पैसे खर्च कर रहे हो, चलिए हम बधाई दे रहे हैं। इसका विवाह बहुत अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। 24 जनवरी के बाद ढूंढना शुरू कर दीजिए और जब तक मन न भरे बेटी का, आपका नहीं, बेटी का, बेटी के माँ का, तब तक रिश्ता नहीं करिए। और 17 जनवरी 2023 तक ढूंढते रहिए, उससे पहले इसका विवाह हो जाएगा। तो देखिए आगे भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताया है, और जिस खास बात आपने कही है कि जब तक बेटी का मन ना भरे तब तक आप उसको रिश्ता मत पक्का करिएगा, आराम से ढूंढिए, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और भविष्य की अगर बात की जाए, जिसकी एक पिता को बहुत चिंता होती है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो पंडित जी, जिस तरह से आप जानकारी लगातार हम ले रहे हैं कि आखिर इस मौके का हम कैसे फायदा भी उठा सकते हैं, एक बात तो बहुत अच्छी आपने बताई, इसी क्रम में आके क्या देखिए, गाइड करने से जी व्यक्ति को लाभ मिलता है। कई साल बच्ची ने बर्बाद किए मेडिकल के लिए जी, मैंने कहा ये लड़की मेडिकल में नहीं जाएगी। उनके जिस सवाल के दौरान बड़ी खनक थी उनकी आवाज में। हाँ। खुशी दिख रही थी जी। तो हमने कहा ये तो बैंक में जाएगी, बैंक में उसको नौकरी मिल गई जी। वो लगातार आज भी अगर मेडिकल की तैयारी करती रहती तो भी नहीं होना था, क्योंकि उसे तो बैंक का अधिकारी बनना, बैंक का अफसर बनना, तो बैंक में जाएगी। तो ज्योतिष गाइडलाइन है, तो अगर आप गाइडलाइन मानते हैं तो आपको कम श्रम करना पड़ेगा, लीवर का काम करता। दूसरा एक काम और कर सकते हैं आप, कि उस बीच में जो साधक, अच्छे साधक होते हैं, तो वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए यंत्रों का निर्माण करते हैं। तो सूर्य से संबंधित तमाम सारे यंत्र हैं, उनका आप निर्माण कर सकते हैं। केतु से संबंधित हैं, वेदांत कवच है, संजीवनी कवच है, मालव कवच है, सूर्य कवच है, इन कवचों को आप अगर निर्माण करते हैं और उनको धारण करते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाएंगे। कवच का निर्माण आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको कहीं से कोई दीक्षा नहीं मिल पा रही है, कहीं से कोई मंत्र नहीं मिल पा रहा है, कहीं से माला नहीं मिल पा रही है जी, फिर भी आप
आपके मन में एक जिज्ञासा की देखें क्या होता है। तो श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, इस मंत्र का जप करिए और सूर्य का ध्यान करिए। आप अपने दादी दादा नानी नाना जिनमें से भी आप प्यार करते जिनको, उनका ध्यान करिए और हमारे इस कार्यक्रम को भी फोकस में रखिए, उसको भी ध्यान करिए कि उन्होंने ये बताया, तो हमारी ऊर्जा का लाभ आपको मिलेगा। तो ये कुछ ना कर पाने की स्थिति में आप ये तो कर ही सकते हो, जिसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपको ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताए, डेट ऑफ बर्थ बताए, सवाल करें। मेरा नाम अशोक कुमार शुक्ला है जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैं कानपुर शहर से बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोले शुक्ला जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1953 और सुबह 8:55 समय है, 8:55 सुबह। हाँ सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरा कोई और कोई सवाल नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं शांति पूर्वक अलग से जो पूजा पाठ है अपना अलग से करते हूँ, मुझे शांति नहीं मिल पा रही है, शांति का माहौल नहीं मिल रहा है। शांति तभी मिलती जब हम सारी चीजें छोड़ देते हैं। शांति तभी मिलती जब हम सारी चीजें छोड़ देते हैं। उसका उदाहरण मैं स्वयं देता हूँ। मेरे पास 3 पब्लिक स्कूल हैं CBSE के, मैंने उनको छोड़ दिया। मेरे पास फ्लैट है, मकान है, मैंने उनको छोड़ दिया। मेरे पास बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ थी, मैंने सब छोड़ दिया, बड़े शांति से रह रहे। परमात्मा के पास कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर आप शांति चाहते हैं, नहीं वो चीज़ आपको व्यवधान देती रहेगी, आपका ध्यान ही उस पर रहेगा, खोने का भय रहेगा, पाने का भय रहेगा, तो शांति हो ही नहीं सकती। जब पाने और खोने का जहाँ भय होता है वहाँ शांति कैसे हो सकती है? आप जो कुछ भी आपके पास वो सब कुछ छोड़ दीजिए और जो कुछ बचे वो सब परमात्मा को समर्पित कर दीजिए कि जो कुछ भी है सब हमने आपको समर्पित कर दिया है, फिर आपको खोने का क्या भय? पाने की कोई इच्छा नहीं, ईश्वर की कृपा चाहिए, जिस आराध्य की पूजा करना चाहते हैं उसकी करिए। तो एक बहुत अच्छा सवाल था जिसका जवाब आपने बहुत ही खूबसूरती से दिया, अपना उदाहरण देकर के दिया। देखिए शांति चाहिए तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना शांति संभव नहीं है। अब पंडित जी, जैसा कि ये बात हो रही है कि कैसे सूर्य ग्रहण का हम लाभ उठा सकते हैं, इसी क्रम में आपने बताया कि हम अपने लिए अपनी हमें जो फायदा पहुंचा है उसके लिए कवचों का निर्माण किया जा सकता है, इस पर कुछ गाइड करें कि किसके लिए इस दिशा में प्रयास अगर किया जाए तो कैसे किया जाए। मान लीजिए आपके बच्चा आपकी बात नहीं मानता जी, तो उसके लिए आप वेदांत कवच का निर्माण करिए, बच्चे की बात ना मानने की स्थिति। हाँ, अगर वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता है तो आप अपने पड़ोस से कहिए कि मेरे सामने बना दीजिए जी। आप खुद बना सकते हैं, खुद बनाइए, आपका जो शुभेच्छ है उससे आप बनवाइए। तो अगर उसको आप बना करके पहना देंगे तो उसके मानसिक संतुलन को कंट्रोल करता है, और जब उस कंट्रोल करेगा तो उसकी रुचि जो है जहाँ निगेटिव हो रही थी, तोड़फोड़ की तरफ बढ़ रहा था, शरारत की तरफ बढ़ रहा था और उन कार्यों की तरफ बढ़ रहा जो समाज विरोधी थे और आपके परिवार के विरोधी थे, तो उन सारी सब चीज़ों पर धीरे 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 नियंत्रण होगा और बच्चे को एक दिशा सकारात्मक मिलेगी, पढ़ाई के दृष्टि से भी, करियर के दृष्टि से भी, परिवार के प्रति लगाव भी होगा। और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइफ में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैम मैं अजीत कुमार बोल रहा हूँ, और मैम हमें इस समय प्रॉपर्टी 1 लाख लिया था, उसमें थोड़ा विवाद चल रहा है, वो उलझता नहीं, सुलझता नहीं दिख रहा, उलझ रहा है मैम। आप अभी 25 तारीख तक ग्रहण तक बिल्कुल उसमें कुछ मत पड़िए, ग्रहण के बाद में किसी अच्छे वकील से सलाह ले लीजिए और उसके बाद हनुमान जी की पूजा करिए, 9 बार 40 रोज पढ़िए, हनुमान जी की कृपा होगी तो निश्चित रूप से आपका समस्या का समाधान होगा। तो पंडित जी, जैसे कि कवच की बात हो रही है,
आपने पहले कवच के बारे में बताया, वेदांत कवच, इसी की तरह अलग अलग जरूरतों के मुताबिक और स्वस्थ रहने के लिए संजीवनी कवच बनता है, महामृत्युंजय कवच बनता है स्वस्थ रहने के, हाँ जी। धन के लिए मालव कवच बनता है, प्रमोशन के लिए बनता है, प्रतिष्ठा के लिए बनता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कवच बनते हैं और अलग अलग कवचों को आपको गले में धारण करना होता है, या आप डोरे में, काले डोरे में पहन सकते हैं, चैन में पहन सकते हैं। इस तरह से कवच अगर आप धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वृद्धि होती है। और 10 महाविद्याओं का कवच इस तरह का होता है, केवल ये माला नहीं है जी। इस माला को जब हम रखते हैं और सुबह जब पूजन करके उठते हैं तब इसकी ऊर्जा जो भी उठा कर कम को देता तो उसको लगता करंट सा लगता है। अच्छा, तो देखिए इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से हम इसका लाभ भी उठा सकते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है, और इतनी रोचक घटना इसका किस तरह से हम दर्शन भी कर सकते हैं, मतलब देख भी सकते हैं इसको, लेकिन सावधानी के साथ में। चलते चलते एक अंतिम कॉलर हमारे हैं, उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। इनसे लगता है हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आपका और हमारा संपर्क लगातार जारी है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और इस महत्वपूर्ण घटना पर। तो इन सभी का लाभ उठाइए और साथ ही जो सावधानी बताई है उसको जरूर सुने, उसको जरूर बच करके रहें। और इसी के साथ ही पंडित जी आज के लिए इतना ही। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, अगले रविवार फिर हो जाएंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU, कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। ग्रैंड कीथ होटल्स, कंफर्ट, लग्जूरियस, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512-237-1024-2371046, 9792-000-685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. आप देख रहे हैं JMD News, आप जन की आवाज।